टाइप में देखें आप, टी डी सेल्स भी होते हैं, यानी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी सेल्स, मोस्टली टी हेल्पर सेल्स एंड अ फ्यू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन सम एलर्जिक रिएक्शंस एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज, उनको आप कहते हो टी डी सेल्स। हाइपर सेंसिटिविटी आप पढ़ चुके हो, आपको पता है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की, यहाँ पे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की बात हो रही है। उसके बाद टी सप्रेसर सेल्स, मैनी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन कर देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यून सिस्टम की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन के केस में, तो ऑर्गेन रिजेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई, तो ये भी एक टाइप ऑफ टी सेल्स हैं। उसके बाद कुछ ऐसे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल, उसमें मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, दे आर स्टिमुलेटेड फेगोसाइट्स स्टिमुलेटेड बाय द इंजेशन ऑफ एंटीजन, के जब भी एंटीजन की इंजेशन होती है तो ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। दे आर मोर लार्जर एंड मोर इफेक्टिव देन फेगोसाइट्स और एनहांस एबिलिटी टू एलिमिनेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्टेड एंड कैंसर सेल्स। उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स लिम्फोसाइट्स दैट डिस्ट्रॉय वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल्स। ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। नॉट स्पेसिफिक यानी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के पार्ट बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एंटीजन स्पेसिफिक होगा तो ही नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट होंगे, नेचुरल किलर सेल किसी भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिवेट हो सकते हैं। उसके बाद है नॉन फेगोसाइटिक, यानी फेगोसाइटोसिस नहीं करते ये, बट मस्ट कंट्रोल सेल कॉन्टेक्ट सेल इन ऑर्डर टू लाइसिस, कि सेल को किल करने के लिए दे मस्ट बिकम इन कॉन्टेक्ट विद द सेल, यानी सरफेस कॉन्टेक्ट इसका टारगेट सेल के साथ होना चाहिए। अगर सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो नेचुरल किलर सेल अपना काम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी तरह के एंटीजन की डिग्रेडेशन जो है, उसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। फिर आप देखें कि इम्यून सिस्टम जो है वो ड्यूअल है, दो तरह के सेल्स जो हैं इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहे होते हैं टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं, एंड सेकेंड पार्ट तो हमने पढ़ लिया ना कि टी सेल इम्यूनिटी, जिसको आप सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। उसका सेकेंड पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसको आप एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसी इम्यूनिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज़ आपको पता है कि कैसे बनती हैं, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होता है बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपको बता रहा है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय सबसेट ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड बी सेल्स। कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज? बी सेल्स करता है। बी सेल्स दैट आर स्टिमुलेटेड विल एक्टिवली सिक्रीट एंटीबॉडीज एंड आर कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स, कि जब बी सेल अपने सरफेस के ऊपर से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, रिलीज कर देता है, सिक्रीट करता है बी सेल जब एंटीबॉडीज सिक्रीट कर देता है तो उस बी सेल को हम कह देते हैं प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ, म्यूकस एंड द सर्फेस ऑफ बी सेल, कि अगर आपने एंटीबॉडीज किसी सेल से आइसोलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, किसी पर्सन से आइसोलेट करनी है तो आप पर्सन का ब्लड लेंगे, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा और ब्लड आरबीसी सेपरेट हो जाएंगे, तो आरबीसीज की लेयर सेटल डाउन हो जाएगी और प्लाज्मा जो है वो सर्फेस पे आ जाएगा, तो आप इसको कह दोगे कि ये जो है ब्लड प्लाज्मा जो है वाइट कलर का जो फ्लूइड है दैट प्लाज्मा हैज एंटीबॉडीज ऑफ फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन। उसके बाद एंटीबॉडीज दे प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड वायरसेस दैट सर्कुलेट फ्रीली इन बॉडी फ्लूइड्स बिफोर दे एंटर सेल, ऑल्सो कॉज सर्टन रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज। की ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाई बी सेल, एंड बी सेल वट इट डज, इट रिकॉग्नाइजेज द एंटीजन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट फॉरन एंटीजन। उसके बाद जब बी सेल अपनी सर्फेस से एंटीबॉडीज को सिक्रीट कर देगा तो उससे हम कहना शुरू हो देंगे प्लाज्मा सेल, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, जो आप देखो यहाँ पे दो पार्ट्स है, वेरिएबल चेन, कॉन्स्टेंट रीजन है, दो चेन्स हैं, दो हैवी चेन्स हैं, दो लाइट चेन्स हैं, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो सर्कल किया हुआ है यहाँ पे, दैट इज द पार्ट जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है, यानी ये एंटीजन जो है यहाँ आकर बाइंड होगा। और एपिटोप का वर्ड यूज किया हुआ है, एपिटोप इज दैट पार्ट ऑफ एंटीजन, ध्यान से देखें आप, एपिटोप इज दैट पार्ट ऑफ एंटीजन विच बाइंड्स विद एंटीबॉडी, उसको आप कह देंगे एपिटोप। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी में ये जो साइट है वी वेरिएबल रीजन जो यहाँ सर्कल हुआ हुआ है उसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग रीजन, यहाँ से आकर एंटीजन बाइंड होता है। ठीक है, फिर ड्यूअलिटी को ही अगर देखें तो उसकी सेकेंड टाइप जो भी हमने पढ़ी है पहले लेक्चर में, पहले अभी
लेक्चर के इनिशियल स्टार्ट में हमने पढ़ी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. इट इन्वॉल्व स्पेशलाइज सेट ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड टी सेल दैट रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म और टिश्यूज. दो तरह के होते हैं, बेसिक हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. टी सेल्स रेगुलेट प्रोलीफरेशन एंड एक्टिविटी ऑफ अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. बी सेल्स मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, यानी कि और इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करवाते हैं, जैसे बी सेल्स मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स. और डिफेंस प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट आर इनसाइड होस्ट सेल्स एंड आर इनएक्सेसिबल टू द एंटीबॉडीज. के ऐसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस को के अगेंस्ट बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है जो एंटीबॉडीज से एंटीबॉडीज की जिन तक एक्सेस नहीं होती. एंटीबॉडीज की हेल्प से जो बैक्टीरिया और वायरसेस डिग्रेड नहीं होते उनको डिग्रेड करने में टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अपना रोल प्ले करती है. और इट प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमेंट्स, कैंसर सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो ये आपको बताया गया है कि जो स्टेम सेल है या बोन मैरो है, बोन मैरो लिम्फोसाइट स्टेम सेल में चेंज होता है. उसके बाद बोन मैरो में ही अगर वो मेच्योर होगा तो ऐसे हम कहेंगे बी सेल्स. लेकिन अगर बोन मैरो में जो मौजूद स्टेम सेल्स हैं वो थाइमस में जाकर मेच्योर होंगे तो हम इसे कहेंगे टी सेल्स. यानी अगर स्टेम सेल्स थाइमस में मेच्योर हो रहे हैं तो आप कहोगे टी सेल्स, और अगर वो बोन मैरो में रहते हुए मेच्योर हो रहे हैं तो आप इसे कहोगे बी सेल्स. ठीक है. एंटीजेंस क्या होते हैं? सबको पता है एंटीजेंस हम ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं, फॉरन ऑर्गेनिज्म को हम एंटीजन कहते हैं. फॉरन ऑर्गेनिज्म जो है कंप्लीट पार्टिकल भी हो सकता है और लार्ज पॉलीसेक्राइड यानी किसी पार्टिकल का स्मॉल पार्ट भी हो सकता है. उसके बाद माइक्रोब भी हो सकते हैं, कैप्सूल, सेल वॉल, टॉक्सिन्स, वायरल कैप्सिड्स, फ्लैजेला, ये सब एंटीजेंस हो सकते हैं. और हैप्टन्स क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स. हैप्टन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं जो कि स्मॉल होते हैं और स्मॉल फॉरेन पार्टिकल्स जो कि एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करवा सकते जब तक कि वो किसी और प्रोटीन के साथ ना मिल जाएँ. यानी स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट इज नॉट एंटीजेनिक, ऐसे मॉलिक्यूल्स कि जो एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस करवा सकते तब तक जब तक वे एक कैरियर मॉलिक्यूल के साथ ना मिल जाएं. जैसे ही वो कैरियर मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे वो फॉरेन पार्टिकल जो है फॉरेन से एक्टिवेट होगा और एंटीबॉडीज़ बनवाएगा. इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट हमने यूज़ किया है, कोई क्रीम हमने यूज़ किया है, वो क्रीम हेप्टन है. वो हेप्टन क्रीम फॉरेन पार्टिकल ही है ना कि हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, हमारी सर्फेस का पार्ट तो नहीं है, हमारे लिए तो वो फॉरेन मॉलिक्यूल ही है. तो फॉरेन मॉलिक्यूल जब हमारी स्किन प्रोटीन्स के साथ मिलेगा, स्किन प्रोटीन्स के साथ मिलकर वो एक एक्टिव कंपोनेंट बन जाएगा और बॉडी के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे हेप्टन. फिर एंटीजेंस आगे एपिटोप क्या होता है, ये अभी हमने पीछे फिगर में देख भी लिया है कि एपिटोप इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन एंटीजन दैट इंटरैक्ट विद एन एंटीबॉडी एंड ईच एपिटोप इज रिकॉग्नाइज बाय अ डिफरेंट एंटीबॉडी. फिर आगे ये डिफरेंट तरह के एंटीबॉडीज आपको इस बात की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि अगर ये एपिटोप है तो ये एपिटोप स्पेसिफिक एंटीबॉडी ए के साथ जो है अटैच होगा, ये एपिटोप स्पेसिफिक एंटीबॉडी बी के साथ अटैच होगा, ये एपिटोप स्पेसिफिक एंटीबॉडी सी के साथ अटैच होगा अकॉर्डिंग टू दिस शेप. ये जो एंटीबॉडी सी है ये बी एपिटोप के साथ बाइंड नहीं हो सकती क्योंकि बी एपिटोप जो है वो सर्कुलर है और एंटीबॉडी सी जो है वो सर्कुलर नहीं है, उसकी शेप और है. तो शेप्स के अकॉर्डिंग एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है. ये आपको यहाँ पे बात समझाई गई है. एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ हम सबको पता है, दीज आर द प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू अ पर्टिकुलर एंटीजन विद हाई स्पेसिफिसिटी मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू एंटीजन. जब भी एंटीजन एंटर होता है बॉडी में तो उसके रिस्पॉन्स में जो है एंटीबॉडी बनती है. और वन वायरस और माइक्रोब मे हैव सेवरल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. और डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो आप जो है इनको दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स, यानी ये भी सीरम प्रोटीन्स का पार्ट ही हैं. और ये भी हम पढ़ भी चुके हैं कि सीरम से आप एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आइसोलेट करते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ड्यूअलिटी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बताया कि वो क्या होती है. वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है बी सेल्स की वजह से और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है टी सेल्स की वजह से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच.